देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्वेश्चन में गिवन क्या है, अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। मे भी हो सकता है ये मिली सेकेंड में हो या कुछ और यूनिट, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, आपसे बोल क्या रहा है, टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2 का टोटल वेटिंग टाइम आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बस टाइम। चलिए सबसे पहले निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। तो इसके लिए हम लोग पहले बनाते हैं रेडी क्यू और यहाँ पे बनाते हैं गैंट चार्ट। सबसे पहले देखिए कि टाइम यूनिट जीरो पर कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है, तो यहाँ पर चेक करिए, तो यहाँ पर केवल प्रोसेस P1 ही रेडी क्यू के अंदर है। हम लोग इसको एलोकेट करते हैं P1 को और साथ में चेक करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है, 15 टाइम यूनिट पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर P1 का 15 बस टाइम यूज़ करते हैं, रिमेनिंग बचेगा 5, ये हो गया 15। फिर चेक करिए अब कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गया, P2 आ गया, तो P2 रेडी क्यू के अंदर आ गया, प्रोसेस P2 रेडी क्यू के अंदर आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं P1 और P2 में से किसका बस टाइम कम है, तो यहाँ पर देखिए P1 और P2 में से P1 का ही बस टाइम कम है, तो हम लोग क्या करते हैं P1 को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस P3 या P4 में से कोई आ रहा है क्या, ये आ रहा है, टाइम यूनिट 30 पे आएगा और ये 45 पे आएगा, इसका मतलब कोई नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो फिर से चेक करिए, ये P1 तो कंप्लीट हो गया, अब कैसे बचा क्या, केवल P2 बचा हुआ है, तो P2 को हम लोग एलोकेट करते हैं। फिर से हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कब आएगा, तो कब आ रहा है, 30 टाइम यूनिट पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग 10 यूनिट यूज़ करते हैं, रिमेनिंग बचेगा 15, तो ये हो गया 30। जैसे 30 टाइम यूनिट हुआ, कौन सा प्रोसेस आ गया, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर हो गया प्रोसेस P3 रेडी क्यू के अंदर आ गया। फिर से हमने वेरीफाई किया कि P2 और P3 में से किसका बस टाइम कम है, चेक करिए P2 और P3 में से, तो चेक किया यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है, तो P3 का बस टाइम कम है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर P3 को यहाँ पर एलोकेट कर दिया, P2 को प्रेम्प्ट किया और P3 को यहाँ पर एलोकेट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस का बारा 45 पे, कोई इशू नहीं, हम लोग 10 को पूरा यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो ये हो गया 40, P3 पूरा कंप्लीट हो गया, P3 पूरा कंप्लीट हो गया। फिर चेक करिए रेडी क्यू में क्या बचा, केवल रेडी क्यू में बचा प्रोसेस P2 यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी P4 नहीं आया हुआ है, क्योंकि P4 कब आएगा, 45 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 है, हम लोग फिर से क्या किया, P2 यूज़ किया, P2 का हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, 5 टाइम क्वांटम यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 10 रिमेनिंग बचेगा, मतलब बस टाइम हम 5 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 10, ये हो गया 45। जैसे 45 हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस P4 भी रेडी क्यू के अंदर आ गया, ये भी रेडी क्यू के अंदर आ गया। ठीक है, फिर हमने चेक किया P2 और P4 में से किसका बस टाइम कम है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, P2 का बस टाइम कितना 10 है और P4 का बस टाइम कितना 15 है, तो P2 का बस टाइम कम है, तो हम लोग P2 को एलोकेट कर लेते हैं फिर से, मतलब फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 55। ठीक है, लास्ट में बचेगा P4 कितना दिया बस टाइम 15, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, आप लोग चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कितना है लास्ट में 70 आया, ऐड करिए 5 + 5 = 10, मतलब ये हो गया 0, 1 हो गया, 4, 5, 6 और 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई टाइम यूनिट छूटा तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइम कौन जो भी आपका बस टाइम है इसमें से कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया, ऐसा हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पर कंप्लीशन टाइम। यहाँ पर देखिए प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, ये आपका हो गया 70, P2 का कितना है, ये है 55। ठीक है, P3 का कितना दिया हुआ है, ये दिया है 40, P1 का कितना दिया हुआ है 20। देखिए हम लोग को बाकी के कंप्लीशन टाइम से मतलब नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, हमको केवल मतलब है P2 के कंप्लीशन टाइम से, क्योंकि केवल P2 का ही टोटल वेटिंग टाइम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे P2 का वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीशन टाइम कितना दिया है 55 माइनस अराइवल टाइम कितना है 15 और इसका बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया है 25, लिख लेते हैं, ये हो गया 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0, 40 माइनस 55, ये आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। तो टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मिली सेकेंड में दिया रहेगा तो 15 मिली सेकेंड हो जाएगा।